हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने जो कुछ दो ट्रेड लिए थे पिछले 10-15 दिन में, मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि एक ट्रेड जो है वो एक विनिंग ट्रेड है, दूसरा ट्रेड जो है लूजिंग ट्रेड है। मैं विनिंग ट्रेड तो डाल ही रहा था, मेरे को कमेंट भी आ रहे थे कि लूजिंग ट्रेड भी डालिए जिससे कुछ सीखने को मिले, आप क्या सीखते हैं। तो वही मेरे मन में एक आइडिया है, क्यों ना एक लूजिंग ट्रेड भी शेयर किया जाए। तो ये एक लूजिंग ट्रेड जो मेरे को मिला, जिसमें मैं क्या सिखाऊं, क्या स्ट्रेटेजी मैंने गलत की है, वो उसको एनालाइज़ करेंगे। तो हम दोनों ट्रेड को एनालाइज़ करेंगे। पहला जो ट्रेड है विनिंग ट्रेड है, उसमें क्या कैसे 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 मैंने उसको एंटर किया, उसमें कुछ वीडियो क्लिप है। फिर हम उसको एनालाइज़ करेंगे कि कैसे उसमें मैंने एंट्री ली थी। दूसरा जो ट्रेड है वो लूजिंग ट्रेड है, दोनों एक ही पेयर पे ट्रेड लिए हुए हैं, यूरो जेपीवाई पे। विनिंग ट्रेड भी यूरो जेपीवाई पे है और लूजिंग ट्रेड भी यूरो जेपीवाई पे है। तो जो लूजिंग ट्रेड है उसको भी हम एनालाइज करेंगे कि क्या मैंने गलती की है, क्या मिस्टेक्स की हैं, और कैसे मैं सीखता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ, और आप भी कैसे उससे कुछ सीख सकते हैं जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, आप भी कुछ उसको बेनिफिट मिले। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपके साथ ये शेयर करूँ, आपको भी कुछ बेनिफिट हो सके इससे। तो चलिए, इस एनालिसिस से जाने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट हर हफ्ते जो मैं सैटरडे संडे को डालता हूँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए हमें आपको क्या सीखने को मिला इस ट्रेड से। हेलो दोस्तों, ये सेकेंड अपडेट यूरो जे पी वाई पेयर पे जो मैं देने वाला हूँ आपको। इस पेयर में हमने 8 पोजिशन यानी कि 80,000 की पोजिशन एंटर करी थी कल, यानी कि ट्यूजडे। 5 पोजीशन इसमें से मैंने कल काट दी थी, जैसे 600 500 600 डॉलर के आसपास, और एक पे हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। अभी भी 2 पोजीशन इसमें चल रही है जो लॉन्ग में है, 20,000 आप देख सकते हैं। इसमें स्वैप चार्जेस भी आ गए हैं और ये दोनों 400 500 डॉलर के आसपास चल रही है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं अपना स्टॉप लॉस इसमें एडजस्ट कर दूंगा। मैं अपना स्टॉप लॉस इसमें अब 0 करूंगा ताकि मेरा इसमें कोई लॉस ना रहे। तो पहली पोजिशन मैंने एंट्री करी थी 128,535, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इसमें एडजस्ट कर देता हूं। तो यहां पर ये 535 इसको मॉडिफाई किया, ये हमारा स्टॉप लॉस यहां पे एडजस्ट हो गया, और दूसरी में 128,652 इसको कर गए। तो अब ये देखिए, दोनों में हमारी जो है स्टॉप लॉस खत्म हो गया है। अब यहां पे मेरा इस ट्रेड में कोई रिस्क नहीं है, जितना भी होगा अब इसमें प्रॉफिट होगा या 0 पे आएगा। देखते हैं ये पेयर अब ये 2 पोजीशन या लॉन्ग रन में करती है। अभी आप देख सकते हैं मेरा टारगेट जो है 129,830 पे है, और एक पोजीशन में मेरा टारगेट काफी हाई है जो मैं ऊपर देख रहा हूँ, काफी लॉन्ग पोजीशन में देख रहा हूँ। तो कुछ पता नहीं है, मैं इसे पहले भी बंद कर सकता हूँ, मैं थर्सडे फ्राइडे को भी क्लोज कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स। अभी मैं 4 आवर में इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, देखता हूँ ये 129,830 पे ट्रेड करता है नहीं। तो एक पोजीशन का टारगेट 129 है, दूसरी का 130 है। दोनों को देखते हैं कैसे मॉनिटर करते हैं, इसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल हम प्रॉफिट में हैं, हमने 600 डॉलर ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, 400 में चल रहा है जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो देखते हैं अगली अपडेट में। हेलो दोस्तों, ये अगली अपडेट जो सेम वेडनेसडे की है, बुधवार की अपडेट, इसमें बाकी पोजीशन है सब क्लोज हो चुकी हैं हमारी। जो 2 प्रॉफिट सेट थे वो भी क्लोज हो गए हैं, 129,330 के आसपास वो हिट हो गए, और अब ये रिट्रेच कर रहा है। मैंने पिछली अपडेट में बताया था कि हम स्टॉप लॉस को 0 पे लेके आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा ताकि जो भी प्रॉफिट हो वो नीचे ना जाए। अब मैं स्टॉप लॉस जो लगाने वाला हूँ, मैं किस लेवल पर लगाऊंगा, मैं ये आपको दिखाता हूँ। मैं स्टॉप लॉस किस लेवल पे लगाऊंगा ये हम देखते हैं। देखिए, हम 4 आवर में जाते हैं, ये 1 आवर का चार्ट है, तो ये मैं इस लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा जो 20 मूविंग एवरेज है। मैं स्टॉप लॉस इसके पास लगाऊंगा, तो 129.048, सो 129 हम लगा सकते हैं। तो मैं अभी से प्रॉफिट लॉस को स्टॉप लॉस को क्लिक किया, और यहाँ पर मैं 129 इस पर मैं क्लिक किया, तो ये इसके आसपास लग गया। तो हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ से यहाँ तक का बुक, ये कि हम प्रॉफिट में हैं। इसके ऊपर अगर ये गया तो ठीक है, यहाँ तक का है, 133 नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, प्रॉफिट टारगेट को भी 129,800 करता हूँ अगर ये जाता है तो।
123,600 जा सकता है, पर एकदम से नहीं जाएगा, उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो हम 853 यहाँ पे लगाते हैं, 129.850। तो ये प्रॉफिट टारगेट मैंने यहाँ लगाया, अगर ये गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, $100 के आसपास हमें मिलेंगे इस पे। तो देखते हैं, अगली अपडेट में आपको बताता हूँ ये कैसे जाता है, क्या अपडेट रहती है। हेलो दोस्तों, ये बुधवार की लास्ट अपडेट यूरो जेपीवाई पे जो मैंने ट्रेड लिया था, ये यूरो जेपीवाई का चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें मैंने जो प्रॉफिट लगाया था, लास्ट पोजीशन जो चल रही थी वो भी आउट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेयर यहाँ से आके क्रैश हो गया, जो मेरा लास्ट का सपोर्ट का टारगेट था, और हमने स्टॉप लॉस लगाया था इसके नीचे, जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये इससे ऊपर नहीं गया। मेरा टारगेट यहाँ इसके आसपास था, जो पिछली सपोर्ट के आसपास था, पर ये भी एक पॉइंट था। यहाँ तक मैंने सारी पोजीशन क्लोज कर ली थी, एक पोजीशन को ओपन रखा था, उस पर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था, और ये पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो गई है। इस पेयर में हमने जो प्रॉफिट अभी तक बुक कराया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यूरो जेपीवाई की जो लास्ट पोजीशन है। तो ये जो पहला देख रहे हैं बैलेंस विड्रॉल के बाद, -500 के बाद जो है, ये मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोजीशन ली थी 80,000 की, जिसमें हमने अगर हम इन सबको टोटल करें तो $1,240 या $1,240 के आसपास इसका बनेगा, जो कि इंडियन रुपीस में 90,000 प्लस का प्रॉफिट है। तो एक अच्छा ट्रेड रहा, बिल्कुल अच्छा ट्रेड है जो मैंने लिया, और ये 2 मार्च को चला, आप देख सकते हैं, और मैंने सारी पोजीशन 2-3 मार्च तक ख़त्म कर दी, यानी कि एक भी नहीं मैंने होल्ड किया। आप देख सकते हैं किसी पोजीशन में स्वैप चार्जेस आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे हैं स्वैप चार्जेस। अगर मैं एक दिन से ज़्यादा होल्ड करता हूँ तो तभी स्वैप चार्जेस लगते हैं, अगर इंट्राडे ख़त्म कर देते हैं तो अब 0-0। तो देखिए, जिस दिन सेम डे ख़त्म हो गई वो 0-0 पे थे, नहीं तो स्वैप चार्जेस इसमें ऐड हुए हैं। मैंने क्यों इस पोजीशन को ज़्यादा दिन रन नहीं करना चाहा, क्योंकि पहली बात ये महीने का पहला वीक है। अगर आपने मेरा बेसिक फॉरेक्स कोर्स का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि महीने के पहले वीक के फ्राइडे को क्या होने वाला है, मेजर न्यूज आती है यूएसडी पे एनएफपी की, नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती। आज वेंसडे है, मैं इस ट्रेड को ज़्यादा फ्राइडे तक ले जाना नहीं चाहता था, मैं इससे पहले इसको क्लोज करना चाहता था, और जो हुआ $1,200 का हमें इसमें प्रॉफिट मिला, 90,000 के आसपास, तो ठीक है, मैं फ्राइडे को ट्रेड करना नहीं चाहता या थर्सडे के आसपास, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी, स्प्रेड भी बहुत बढ़ जाएगा, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और मैं हैप्पी हूँ। और देखिए, आप ये फॉल भी कर रहा है, उसके बाद ये कोई भी जा सकता है, कुछ पता नहीं है, पर आई एम ओके विद दैट। चलिए इस ट्रेड को एनालाइज करते हैं, क्या क्या मैंने देखा, और बिफोर एंट्री करने से पहले कैसे कैसे मैंने इसको प्रॉफिट काटा। हेलो गाइस, ये एक जो पहला ट्रेड है जो मैंने लिया था 2 मार्च का, जो मार्च का है, ये ट्रेड मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मैंने यूरो जेपीवाई पे लिया था। इस ट्रेड में मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाख, मतलब कि 80,000 के आसपास इसमें बाई किए थे 2 मार्च को, और इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है, अगर इन सबको आप टोटल करें तो 1170 के आसपास इसमें ये प्रॉफिट हुआ है। और जो होता है 80-85,000 के आसपास जो इसमें प्रॉफिट हुआ है, 85,000, तो $1,100-1200 इसमें ये प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ पोजीशन मेरी 2 मार्च को खत्म हुई, कुछ पोजीशन मेरी 3 मार्च को खत्म हुई, और ये जो 3 पोजीशन लास्ट की चल रही थी इसमें स्वैप चार्जेस भी लगे हुए हैं। स्वैप चार्जेस तब लगते हैं जब आप मार्केट को, आप जब ऑर्डर को अपना होल्ड करते हो। क्या फायदा है इसका, अगर या नुकसान क्या है? स्वैप चार्जेस का नुकसान ये कि आप जब मार्केट को, करेंसी को होल्ड करते हैं तो आपको ये चार्जेस मिल जाते हैं, पर उस अकाउंट में आपको स्प्रेड बहुत कम मिलता है, तो स्प्रेड का बेनिफिट आपको मिलता है, पर स्वैप में आप मार खा जाते हैं। तो ये एक बैलेंस है, कोई भी ब्रोकर आपको बेस्ट तो देगा नहीं, तो आपको वही अपना कॉम्बिनेशन निकालना है। तो चलिए अब इस ट्रेड को एनालाइज करते हैं। हमने इसमें $1,200 कमाए हैं जो 2 मार्च को हमने ट्रेड लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बेस पे आपको एनालाइज किया जाए, और आपको दिखाया जाए कि क्या मेरी एनालिसिस थी और किस बेस पे हमने इसको एंटर किया था। तो चलिए देखते हैं। तो ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है जो हम देख रहे हैं, इस ट्रेड में जो मैंने इसमें एंट्री ली, अगर आप देख सकते हैं, जो
आपका ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था और इसमें आपको पुल बैक यहाँ पर आ रहे थे, जो ये पुल बैक आ रहे हैं। और अब हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैं कॉन्सेप्ट हमेशा लगाता हूँ और जो आपको मैंने सिखाए भी हैं। बाकी वीडियोज अगर आप देखेंगे जाके तो आप देख सकते हैं कि वही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो एरिया था वो ये एरिया है। यहाँ पर ही मैं केवल इसको देखूंगा कि मुझे इसमें बाय करना है या नहीं बाय करना है। तो जब ये मार्केट यहाँ पर आ गई, यहाँ पर इसने इसको टच किया और मुझे ये यहाँ से यहाँ तक इसने इसको रेस्ट को ये पूरा खा गया, यहाँ पे ये 100% रेस्ट कर गया, तो इसमें मैं एंट्री के लिए देख रहा था। मैंने 2 मार्च को इसमें एंट्री की, तो आप देखिए यहाँ पे 2 मार्च को 4 या 5 बजे के आसपास मैंने एंट्री की, थी यहाँ पर। तो इसमें अगर हम ये अपना टारगेट प्रॉफिट लगाएं तो मैं इसमें जो स्टॉप लॉस लगाया वो यहाँ पर लगाया और मैं टारगेट प्रॉफिट जो रखा मैंने यहाँ पर रखा, बिल्कुल प्रिसाइज ये वहीं पर ही गया। तो ये वाला मेरा ट्रेड था, यहाँ पर मेरी एंट्री थी 5 बजे के आसपास, 2 मार्च तक ये गया ट्रेड। आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पर अपने कुछ लॉट निकाल लिए थे और बाकी जो 3 मार्च को जो बाकी थे वो यहाँ तक गए थे। तो 3 पोजिशन मैंने यहाँ पर ख़त्म करी थी और 3 पोजीशन मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दी थी। तो इस ट्रेड में मेरे को $1200 के आसपास प्रॉफिट हुआ। अब जो हमने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो पुल बैक था वो यहीं से ये आ रहा था और यहाँ से इसने मेरे को पूरा ये 100% जब ये थक गया आपका सेलर, तो हमने इसमें यहाँ पर एंट्री किया और इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया यहाँ से यहाँ तक, जो कि 1.52 के आसपास ये मेरे को प्रॉफिट दिया इसमें। तो कॉन्सेप्ट वही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमारा बायर क्या कितना रन कर रहा है और कितना वो थक रहा है, और उसके बेस पे मैंने इसमें एंट्री ली थी। तो मैं जस्ट आपके साथ ये शेयर करना चाहता था जो एक ट्रेड लिया है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो देख सकते हैं। चलिए गाइज, ये एक ट्रेड जो मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ, मैंने पिछले हफ्ते एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एनालाइज किया था, ये एक लूजिंग ट्रेड है जो हम एनालाइज करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऑर्डर यूरो जेपीआई में मैंने 6 पोजीशन एंटर करी थी 8 मार्च को, जो मैंने शॉर्ट किया था 50, भी देख सकते हैं एक बड़ी पोजीशन थी 50-10, यानी कि 30 1 लाख का जो स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख के आसपास मैंने इसमें शॉर्ट किया था और ये ट्रेड मेरा लॉस में गया। इसमें मैंने $570 के आसपास इसमें लूज किया है, 40,000 के आसपास इसमें लॉस हुआ है। तो अब इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसमें मैंने क्या गलती की है। चलिए देखते हैं, इस ट्रेड को एनालाइज करते हैं। तो चलिए अब हमें ये यूरो जेपीवाई, ये हम ट्रेडिंग व्यू में हैं, हम ट्रेडिंग व्यू में हैं, हम इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो मैंने ट्रेड लिया था, अगर मैं पॉइंट आउट करूँ, 8 मार्च को 8 बजे के आसपास। तो 8 मार्च जो है यहाँ पर बैठ रही है, 8 मार्च 6 बजे के आसपास मैंने इस ट्रेड में एंटर किया था यहाँ पर। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या मेरा बेसिस था इसको एनालाइज करने का। तो एंट्री हुई यहाँ पर, स्टॉप लॉस लगाया मैंने ऊपर 129,350 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि इसी प्रीवियस हाई से ऊपर था, मतलब कि यहाँ पर जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। और मैं इसमें प्रॉफिट का जो टारगेट देख रहा था वो पिछली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे 2:1 के आसपास मैं देख रहा था और ये मेरा यहाँ पर क्लोज हो गया अगले ही दिन। तो इसमें क्या मैं किस बेस पे मैंने एनालाइज किया, जो हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जो मैं देखता हूँ कि हमारा ये ट्रेड अप गया, डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये यहाँ पर ही 100% और इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। तो मैंने जो नेक्स्ट मूव था, जैसे ही ये ऊपर गया मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट किया और यहाँ से मैं इसको देख रहा था 2:1 का टारगेट, यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट। अब ये ट्रेड फेल क्यों हुआ, पहली बात तो ये देखने वाली बात ये है, ट्रेड फेल हुआ, दोबारा लगाते हैं, चलिए स्टॉप लॉस को यहाँ पे ये था और इसको हमने 350 पे ये लगाया यहाँ के आसपास। ट्रेड क्यों फेल हुआ, ट्रेंड अप है पर यहाँ पर मार्केट ये इसने 100% रिट्रेसमेंट तो दिया ही था हमें, यहाँ पर एक बात को हम भूल गए, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ अप ट्रेंड में है
जो ट्रेड यहां पर है, अगर हम इसको देखें, ये रेंज बाउंड ट्रेड है। तो इस जब मार्केट रेंज बाउंड में है तो हम जब अप हाई पे जाती है वहां पर सेल करेंगे और डाउन पे हम बाई करेंगे। तो रेंज बाउंड की स्ट्रेटेजी अलग होती है, जो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो जब यहां से यहां पर आपकी रेंज बन गई तो आप यहां पर सेल करेंगे, यहां पर आप बाई करेंगे, यहां पर आप सेल करेंगे, यहां पर आप बाई करेंगे, यहां पर आप सेल करेंगे, सेल करेंगे, यहां पर आप बाई करेंगे। तो रेंज बाउंड की स्ट्रेटेजी कुछ डिफरेंट होती है, जो जो ट्रेंड बाउंड चार्ट से अलग होती है। तो यहां पर मेरी मिस्टेक ये रही कि मैं इस चार्ट को भूल गया कि इसमें रेंज में है मार्केट इस टाइम पे है, और मैं उसे ट्रेंड बेस्ड के हिसाब से ट्रेड करने लगा। तो ये गलतियां जो मिस्टेक्स हैं हमें, ये होती रहती हैं, लूजिंग ट्रेड आते रहते हैं, हमें अपने लूजिंग ट्रेड से ही सीखना है। हमें एक एक गलती को देखना है, उसको सुधारना है कि कैसे हम उसे सुधार सकते हैं, हमने क्या गलती की है। यही बताना चाह रहा हूँ इस ट्रेड से जो मेरा लॉस हुआ है इसमें 40,000 का। जो लॉस है एक पार्ट ऑफ द गेम है, और ये लॉस होते रहेंगे, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो लॉस होंगे, और लॉस से आपको एक्सेप्ट करना है। मैं ये कहूंगा कि जैसे अपने गाड़ी लेके चले मार्केट में, ये नहीं है कि आपको रेड लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, ग्रीन लाइट ही मिलेंगी, प्रॉफिट ही होगा। रेड लाइट मिलेंगी, लॉस होंगे, पर बात यह है कि आप कितना लूज कर रहे हैं। जब लूज कर रहे हैं और जीत रहे हैं तो विन कर रहे हैं तो कितना विन कर रहे हैं। मेरा पिछला जो ट्रेड था उसमें मैंने $1,200 जीते विन किए थे, अब इसमें मैं लूज कर रहा हूँ $500-600 लूज कर रहा हूँ, तो एक हाफ इससे ओके, मेरा एक इसमें कुछ वो नहीं है। पर बात यह कि हमें एनालाइज करना है, जो कि ट्रेंड बेस्ड ट्रेंड को हमने समझा, हालांकि वो एक रेंज बाउंड ट्रेंड था, और जो हम एनालाइज नहीं कर पाए। इसलिए चार्ट को पूरा टाइम दीजिए, जब एनालाइज करें उसके बाद ही एंट्री कीजिए, जल्दबाजी में कभी भी एंट्री ना करें किसी ट्रेड में। तो मेरी ये गलती थी जो मैं आपके सामने सामने लाना चाहता था, और आप कुछ सीख सकते हैं इस ट्रेड से जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। मैंने सोचा तो क्यों ना एक लूजिंग ट्रेड को भी पॉइंट आउट किया। सो आई होप कि दोनों जो ट्रेड मैंने शेयर की आपको कुछ सीखने को मिला होगा उससे, क्योंकि विनिंग ट्रेड तो सभी को मिलते हैं, लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ये लूजिंग ट्रेड आते रहेंगे, जैसे मैंने बोला है वीडियो में भी कि रेड लाइट आपको ग्रीन लाइट ही नहीं मिलेगी, रेड लाइट मिलेगी। जब अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो रेड लाइट मिलेगी ही मिलेगी। तो लूजिंग इज द पार्ट ऑफ गेम, और उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जब आप लूजिंग से कंफर्टेबल हो जाएंगे तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि लूजिंग ट्रेड से आपको डरना नहीं है, केवल एक्सेप्ट करना है कि कैसे ये एक बिजनेस का पार्ट है, ये एक कॉस्ट है जो आपको पे करनी होती है। अगले हफ्ते के लिए सैटरडे संडे मैं फिर से वीडियो डालूंगा। मुझे बताइए, कमेंट में शेयर कीजिए आपको कुछ सीखने को मिला, क्या क्या आपकी फीडबैक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।